Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswati International Academy Wapi. So dear student, जैसा कि हमारा chapter 7 chemical equilibrium, चल रहा है तो स्टैंडर्ड 11th में chapter 7 chemical equilibrium चल रहा है और equilibrium chapter में आज हम लोग topic जिस topic पर discussion हमारा चलेगा पढ़ेंगे वो है ionization of acid and base and ionic product of water and then after according to time period pH. तो pH scale भी आया है आज के topic में, तो देखते time के according कितना complete होता उतना complete कराया जाएगा. and then उससे before मैं आपको part 8 के about मैं थोड़ा information दे दूँ आपको कि हमने part 8 में क्या क्या पढ़ा. part 8 के points यहाँ थोड़े use होने वाले हैं starting में ही. part 8 में हमने acid base concept पढ़ा. पार्ट एट में एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ा स्टूडेंट. मैं वंस अगेन रिमाइंड करा दूं इन शॉर्ट टाइम में ही. एसिड बेस कॉन्सेप्ट हमने तीन कॉन्सेप्ट पढ़ा, आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एंड लुविस. आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या है एसिड बेस का, किसी भी सब्सटेंस को वाटर में ऐड करें अगर वो एक्वा सोल्यूशन में एच प्लस देगा तो एसिड, ओ एच देगा तो बेस. सेकेंड पॉइंट, इनके कुछ लिमिटेशन थी जहाँ पर हमने बताया कि ये सिर्फ ऐसे कंपाउंड पर एप्लीकेबल है या उनके बेसिक एसिडिक नेचर को डोमिनेंट कराएगा, प्रेडिक्ट कराएगा जिनमें एच या ओ एच हो और प्लस वाटर में ही. तो ऐसे केस में ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने न्यू कॉन्सेप्ट दिया प्रोटॉन डोनर के बेस पर. इनके अकॉर्डिंग था कि कोई भी सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो एसिड है, प्रोटॉन गेन करेगा वो बेस है. नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे तो हमारा अगला पॉइंट आता है लुईस कॉन्सेप्ट. लुईस कॉन्सेप्ट है जो सब्सटेंस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो लुईस बेस होगा, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एक्सेप्ट करेगा वो लुईस एसिड है. इन सारे पॉइंट्स को स्टडी किया, इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स हमने प्रॉब्लम्स और एक्स्ट्रा इससे रिलेटेड पॉइंट भी समझाए गए. अब आज के पॉइंट में पहला टर्म्स हमारा है आयनेशन ऑफ एसिड एंड बेस. आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस. आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस की बात करें यहां पर स्टूडेंट तो होता क्या है, उस पॉइंट पे जाते हैं. मैं आपको बता दूं यहां पर कि जो आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट है एसिड बेस का, द आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट इज यूजफुल इन आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस. यूजफुल इन आयनाइजेशन of acid and base. तो आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट है जो यूजफुल है इन आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, क्योंकि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में बताया गया कि कोई कंपाउंड कैसे एच प्लस लूज करेगा, कैसे आयनाइज होगा कैटायन एनायन में. तो मैं पॉइंट्स आगे बता दूं, द स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HClO3, HCl, H2SO4 and HNO3 are almost completely ionized in water. आयनाइजिंग वाटर, तो ये जो होते हैं कंप्लीट आयनाइज होते वाटर में, लाइक मैं रिएक्शन दिखा दूं, HCl व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गेट आयनाइज इनटू H3O आयन प्लस Cl माइनस. सिमिलर वे HClO3 और HClO4 परक्लोरिक एसिड, दिस वन इज द परक्लोरिक एसिड get ionized in water produce H plus ClO4 minus. So strong acid जो होते हैं
वो वाटर में कंप्लीट डिसोसिएट होते हैं और इनके बिटवीन आयनिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होता। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ऑल्सो कंप्लीटली आयनाइज्ड। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड 100% आयनाइज होता है स्टूडेंट, वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस भी 100% यहाँ पर आयनाइज हो रहा है, कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है। लाइक के ओ एच व्हेन एडेड इन वाटर गेट डिसोसिएट प्रोड्यूस के प्लस ओ एच माइनस, एन एच इज ऑल्सो आयनाइज यानी प्लस प्लस ओ एच माइनस। तो जो भी एसिड और बेस कंप्लीटली आयनाइज होते वाटर में, ये क्लियर हो रहा है कि वो कैसे हैं, वो है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस। बट वीक एसिड एंड बेस डज नॉट कंप्लीटली आयनाइज्ड, does not complete ionize in water, does not completely ionize in water. ये complete water में ionize नहीं होते हैं and then clear, does not completely ionize in water. So ionic equilibrium establish ionic equilibrium establish in water. तो उनके aqueous solution जो weak acid and base है incomplete ionized होते हैं, तो उनमें ionic equilibrium establish होता between ionized and undissociated particle के बीच में। like weak acid like formic acid, like CH3COOH, clear, like benzoic acid, ये सब वो acid हैं जो weak है, not is complete dissociating water, like SCOOH, when added in water, due to the incomplete dissociation or by denoted by reversible reaction, and SCOO minus plus S3O plus formate ion है। and then after यहाँ पर बात करें तो कोई भी weak acid है जो incomplete ionized होगा और वहाँ ionic equilibrium establish होता है and जब इन weak acid और weak base पर हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे कंजुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर हम इसको भी क्लियर किया जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू कंजुगेट एसिड बेस जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, पहले इन पॉइंट्स को बता दूं मैं। सिमिलरली नाउ वीक बेस लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है जो वीक बेस है, ये भी कैसा होगा, इनकम्प्लीट डिसोसिएट होगा इनटू वाटर। सो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट, सो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जाए तो स्टूडेंट अ स्ट्रॉन्ग एसिड हैविंग
a strong acid having weak conjugate base and same way a weak acid contain strong conjugate बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कंजुगेट बेस होगा वीक होगा और वीक एसिड का कंजुगेट बेस क्या होगा स्ट्रॉन्ग होगा। सेम वे स्ट्रॉन्ग बेस हैविंग वीक स्ट्रॉन्ग बेस हैविंग वीक कंजुगेट एसिड एंड वीक बेस contain strong conjugate acid। अब इन सारे पॉइंट्स जो हमने राइट किए यहाँ पर ये बड़े इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, हमें पहचानने के लिए देता है भाई ये बेस है तो इसका एसिड कैसा है वीक आर स्ट्रॉन्ग, या वीक बेस दे दिया तो कैसा कंजुगेट एसिड होगा। इसके लिए हम जाएंगे तो हम राइट कर रहे हैं एक एग्जांपल, पहले राइट कर रहे हैं एस सी डबल ओ एच को, एक वीक एसिड है। अब वीक एसिड को वाटर में ऐड करेंगे, इनकम्प्लीट डिसोसिएट होगा, बनाएगा एस थ्री ओ प्लस प्लस एस सी डबल ओ माइनस। अब वीक एसिड है राइट, तो ये एसिड है तो ये इसका बनेगा क्या कंजुगेट बेस, मतलब ये वीक है तो कैसा है ये स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है, मतलब इसमें ये एस प्लस गेन कनेक्टेडनेस से बहुत ज्यादा है। सिमिलर वे अगर मैं ये राइट करूं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है स्टूडेंट, और इसको अगर हम वाटर में ऐड करें तो ये डिसोसिएट होगा और बनाएगा एन एच फोर प्लस प्लस ओ एच माइनस। तो अगर वीक बेस है तो ये इसका क्या होगा कंजुगेट एसिड होगा और ये कैसा बनेगा स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मीनिंग ये हो गया कि इसमें एस प्लस लूज करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। सो वंस अगेन रिमाइंड करा दूं मैं कंजुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पॉइंट्स यहाँ पर एंडिंग में होगा। तो आयनेशन ऑफ एसिड एंड बेस, हमारा हेडिंग था आयनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। आयनेशन ऑफ एसिड एंड बेस का मीनिंग क्या हो गया स्टूडेंट, जो एसिड होते हैं वाटर में आयनाइज होते हैं अकॉर्डिंग टू आरहेनियस कॉन्सेप्ट इनटू केटायन एंड एनायन पॉजिटिव नेगेटिव आयन। आरहेनियस के अकॉर्डिंग अगर हम पॉइंट जाए तो यहाँ पर हमें दो टाइप के कॉन्सेप्ट मिलते हैं, क्योंकि हमारे पास एसिड जो है वो और बेस क्या है वीक एंड स्ट्रॉन्ग है। जो वीक एसिड बेस है वो इनकम्प्लीट आयनाइज होते हैं और जो स्ट्रॉन्ग होते हैं कम इनकम्प्लीट होते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग होते हैं कम्प्लीट आयनाइज होते हैं। फिर हमें यह बताना है कि कंजुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट मतलब ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट से जाएं तो हर एक स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो वीक रखता है कंजुगेट बेस और हर एक वीक एसिड रखता है स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। ऐसे वीक बेस नाउ कंटेन स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस कंटेन वीक कंजुगेट एसिड। सो स्टूडेंट अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, आफ्टर आयनेशन ऑफ एसिड एंड बेस अब बात करेंगे हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, मीन आयनेशन ऑफ द एसिड एंड बेस के बाद हम बात करेंगे आयनेशन कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर। आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर, तो आयनेशन कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर की बात करें आप तो, या फिर हम राइट करेंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की बात करें आप तो होता क्या है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। नाउ some substance has unique properties
some substance has unique properties, some substance has unique properties of acid and base. Means it is, its act as a acid as well as like base, ये एसिड और बेस दोनों तरह नेचुरली डोमिनेंट होता है इसमें, तो दोनों तरह के डोमिनेंट होते हैं. तो ऐसे सब्सटेंस को हम वर्ड एम्फोटेरिक देते हैं. और इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है क्या, वाटर. क्लियर, वाटर आता है. When one mole acidic water added in one mole basic water, then acidic water loses H plus and basic gain H plus. So water act as a both acid and base. When water added in acid, then it should behave like base. When added in base, then like acid. So it is a amphoteric nature of nature. It is the, what is amphoteric nature of water? मतलब ये water के amphoteric nature की वजह से होता है. तो according to conjugate base concept. According to conjugate acid base concept, water H2O plus H2O H3O plus OH minus. A base, so that is कंजुगेट एसिड हो गया. ये एसिड है तो ये कंजुगेट बेस हो गया. वाटर इज ए वीक एसिड बेस कॉन्सेप्ट से चलते हैं, तो वाटर एक वीक एसिड बेस कॉन्सेप्ट है. ऐसे केस में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा. तो एट एट इक्विलिब्रियम स्टेट, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, अगर हम इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करें यहाँ पर, तो नाउ के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट OH अपॉन H2O एंड H2O. बट वाटर, बट water, yeah, but concentration of water in all reaction, always remains constant. Means K equilibrium into H2O ka whole square, that is the H2O denoted by KW. So KW is equal to now hydronium ion concentration into OH ion concentration.
So where KW is called ionic product of water. Where KW is called ionic product of water. तो ionic product of water का meaning ही हो गया. अब ionic product of water जो होता है यहाँ पर H plus और OH या H3O plus OH के concentration की बात करेंगे. So the concentration of H plus or OH concentration ion in pure water is 10 power minus 7 molar at 298 Kelvin temperature. So therefore KW is equal to H plus concentration OH plus concentration product will become equal to 10 power minus 7 molar into 10 power minus 7 molar is equal to 10 power minus 14 molar. So ionic product ki value ho gayi 10 power minus 14. Well, PKW is equal to minus log KW according to pH. Now minus log 10 power minus 14 is equal to PKW. So PKW is equal to 10 power minus 14 आएगा सामने minus minus plus log 10 की value 1. तो exact value हो गई PKW क्या 14. So that is the standard value of ionic product of water. Means जब ये acid base का reaction मतलब ये acidic और basic water का reaction होगा then that time आपको बता दूँ कि स्टैंडर्ड जो कॉन्सेंट्रेशन होता है अगर ये जो रिएक्शन हमने अभी राइट किया था आप पर ये किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा उसको चेंज करने को फॉरवर्ड मतलब वन मोल एसिड एंड वन मोल बेस को एक दूसरे में ऐड करें तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ से हम ले लेते हैं. और स्टूडेंट बात करेंगे आप पर द डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर इज 1000 ग्राम पर एम एल एंड मोलर मास इज 18 ग्राम पर मोल. सो मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज 1000 ग्राम पर एम एल बाई ग्राम 18 ग्राम पर मोल ग्राम बाय ग्राम कैंसल देयर इज 55.55 मोल पर लीटर. सो देन अगर हम इस पॉइंट्स को यहाँ देखें और इस कॉन्सेंट्रेशन को तो देन हम रिएक्शन को देखेंगे 10 पावर माइनस 7 बाय 55.55 अप्रॉक्स इज 1.8 10 पावर माइनस 19. So then that time हम बात करेंगे 9. So 9 that's indicate the value of reaction now shifted in backward direction, right? Backward direction and then after value of KW that's detect the acidic basic and neutral water. If value of KW is greater than 7 or either if H plus concentration greater than OH minus concentration, right, then water is acidic. But if H plus concentration is less than OH concentration, then water is basic. H plus concentration OH minus concentration दोनों equal हैं तो water होगा neutral. That's all. So ये हो गया point student ionic product of water.
ओके स्टूडेंट, सो हमने अभी पॉइंट जिस पर हमारा डिस्कशन चला आज पार्ट 9 में, वो दो पॉइंट हमने स्टडी किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, लाइक आयनेशन ऑफ एसिड एंड बेस एंड सेकेंड इज एनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। सो आयनेशन ऑफ एसिड एंड बेस ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे हमें पता चलता है एक्चुअली कि एसिड बेस जो है वो किस टाइप के, क्या नेचर रखते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, वीक बेस है, यहाँ से उनके पीएच वैल्यू, उनकी क्वांटिटी कहाँ पर हम यूटिलाइज करते हैं, लाइक सपोज दैट इन एडिबल मटेरियल्स हैं जो इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर किए जाते हैं, कॉस्मेटिक्स है डिफरेंट काइंड के, तो वहाँ पर भी इनके पॉइंट्स को हम देखेंगे। एंड देन आफ्टर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कहीं कहीं हमें हेल्प करता है किसमें, किसी भी कंपाउंड एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन के पीएच को डिटरमाइन करने में ये भी हेल्प करता है। और यस प्लस हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये दोनों पॉइंट भी हमें किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के एसिडिक और बेसिक नेचर को कहीं कहीं एक्सप्लेन करते हैं, और इनके कॉन्सेंट्रेशन से हम उनके एसिडिक और बेसिक नेचर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो इन्हीं पॉइंट से रिलेटेड मैं बात करूँगा एक यहाँ पर जो बेस्ड है टाइम के अकॉर्डिंग। सो लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट से मैं आपको बात करूंगा, प्रॉब्लम नंबर यहां पर है, नंबर 7.15। तो एसिड बेस के कॉन्सेप्ट चल रहा है, हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन भी बता सकता है, तो यहां पर भी ऐसे पॉइंट दिया गया कि क्लासिफाई द फॉलोइंग स्पीसीज इनटू द व्हाट इज एसिड एंड बेस। तो हमें क्लासिफाई करना है स्टूडेंट, classify the following species in lees acid and lees base। सो लुईस एसिड बेस में कॉन्सेप्ट हमें डिवाइड करना है आपको, तो हमारे पास पहला पॉइंट जैसे लाइक OH है, सेकेंड हो गया लाइक एफ माइनस है, थर्ड हो गया लाइक एच प्लस है, एंड फोर्थ हो गया लाइक बी सी एल थ्री हो गया। सो स्टूडेंट, लुईस एसिड क्या होते हैं, लुईस एसिड वो स्पीसीज होते हैं जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और लुईस बेस वो होते हैं जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। डोनेट वही करेगा जिसमें बॉन्ड पेयर के साथ साथ ऑक्टेट फुलफिल्ड हो और एटलीस्ट वन लोन पेयर हो या मोर देन वन लोन पेयर हो, और गेन वही करेगा जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, जिसके पास छः या उससे लेस इलेक्ट्रॉन हो लास्ट ऑर्बिट में। तो OH को देखते हैं, OH में जो बॉन्ड बना माइनस चार्ज है, ऑक्सीजन के पास छः इलेक्ट्रॉन थे, एक बॉन्ड बनाया सात हो गए, एक माइनस कर लिया आठ हो गए, तीन लोन पेयर है ये डोनेट कर सकता है, तो दैट इज कंसिडर लुईस बेस। एंड फ्लोरीन, इट्स एटॉमिक नंबर इज 9, लास्ट ऑर्बिट कंटेन 7 इलेक्ट्रॉन, सो फ्लोरीन गेट कन्वर्टेड इन माइनस बाय एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन, सो टोटल इलेक्ट्रॉन बिकम 8 इन लास्ट ऑर्बिट, एंड ऑल 8 इज लोन पेयर, ऑल 8 इलेक्ट्रॉन इज लोन पेयर, सो दैट्स क्लियर। फ्लोरीन इन अ केमिकल रिएक्शन कैन बी डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो बिहेव एज लाइक लुईस बेस, सो दैट इज ऑल्सो लुईस बेस। तीन आफ्टर हम बात करेंगे थर्ड एंड फोर्थ की, थर्ड की बात करें तो हाइड्रोजन आयन, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, एंड हाइड्रोजन वो भी इलेक्ट्रॉन लूज करके बना रहा है एच प्लस, नाउ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट हाइड्रोजन एटम इज 0, सो इट कैन बी गेन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट इज एक्ट एज ए लुईस एसिड। सो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे हम, बी सी एल थ्री, बोरॉन ट्राइक्लोराइड जो है यहाँ पर मॉलिक्यूल्स, बोरॉन के एटॉमिक नंबर 5, लास्ट ऑर्बिट कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन्स, सो बोरॉन नाउ फॉर्म 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड विद क्लोरीन, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट सेंट्रल एटम बी इज बिकम नाउ टोटल 6, दैट्स इंडिकेट नाउ इट्स ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट, so it can be gain pair of electron for completion of octet, so here BCl3 now act as a Lewis acid। so स्टूडेंट, आज चैप्टर 7 इक्विलिब्रियम के पार्ट 9 में हमने जिन पॉइंट पर हमारा डिस्कशन चला वो है
आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनेशन ऑफ एसिड एंड बेस, जहाँ पर कंजुगेट एसिड बेस के कॉन्सेप्ट बताए गए कि कैसे स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस वीक होता है, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग होता है. सिमिलरली नाउ स्ट्रॉन्ग बेस का कंजुगेट एसिड वीक होता है एंड वीक बेस का कंजुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होता है. सो दैट्स क्लियर. सो आज पार्ट 9 में बस इतना ही. नेक्स्ट पॉइंट में आ रहे हैं न्यू पॉइंट के साथ. सो थैंक यू.